किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपने सरकार भुला और किसकी? अपनी। अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे, वही हुई ना अपनी सरकार है? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रचार के लिए चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साठपार के दावे के साथ जुटा रहे जनता का समर्थन, भाजपा की जीत का भी किया दावा। तुष्टिकरण के मुद्दे पर खुद फंसी भाजपा, धन सिंह रावत की मस्जिद जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथों। खराब मौसम से भाजपा के प्रचार में पड़ा खलल, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने स्वीकारा, जल्द प्रधानमंत्री की फिजिकल रैली कराने की भी बात कही। और प्रदेश में खराब मौसम बना परेशानियों का सबब, बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका, किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चुनाव से ऐन वक्त पहले तुष्टिकरण की राजनीति में भाजपा खुद ही उलझ गई है। असल में जनता के बीच जाकर बीजेपी विकास के काम गिनाने के बजाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आई है, तो उधर कांग्रेस ने भाजपा की लाठी लेकर उसी पर सियासी वार कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। खुद के फेर में ही उलझी भाजपा, तुष्टिकरण का हथियार भाजपा पर पड़ा भारी, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हो रहा खेल, चुनावी मुद्दों से भटके भाजपा कांग्रेस, मस्जिद की चौखट पर पहुंचे धन सिंह रावत, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जी हां, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले मंदिर मस्जिद को लेकर बोतल से बाहर निकले जिन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। असल में तीन तीन मुख्यमंत्री बदल चुकी भाजपा जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को गिनाने की बजाय मंदिर मस्जिद का राग छेड़ बैठी है, लेकिन सियासी पासा अब पलट गया है। दरअसल मंदिर मस्जिद पर छिड़ी सियासी जंग के बीच सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का मस्जिद में जाने को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। भाजपा पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने धन सिंह के मस्जिद जाने पर बीजेपी से जवाब तलब किया है। मस्जिद में जाते हैं, उनको लोग देखते हैं, उनको पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें भाजपा कुछ नहीं बोलती। हमारा साफ कहना है भाजपा को कि अगर वो इस तरह की बातें, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जब बात करती है, तो इसका जवाब भी देना चाहिए कि धन सिंह जी मस्जिद में क्यों गए थे, किसलिए गए थे, किससे मिलने गए थे, क्या काम उन्होंने किया था, क्या वो भी नमाज पढ़ने गए थे क्या? कांग्रेस के सवाल पर भाजपा ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं। हालांकि धन सिंह रावत का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बचाव करते दिखाई दिए। देखिए, मस्जिद से बाहर निकलने का कौन सा वीडियो मैंने देखा नहीं है, और धन सिंह रावत जी, संभवतः आप मंत्री जी के बारे में कह रहे होंगे, मंत्री प्रदेश में सबका होता है और सबकी कुशल क्षेम के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता है। जो भी नागरिक है, उनकी कोई समस्या कहीं पर है, तो इसको तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तुष्टिकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। कहावत है कि अपनी पर आए तो सही, लेकिन कोई दूसरा करे तो गलत। कुछ ऐसा ही बीजेपी कांग्रेस में चल रहा है। जुमे की छुट्टी को लेकर हरदा को घेरने वाली भाजपा असल में धन सिंह रावत के मस्जिद जाने के वायरल वीडियो को लेकर अपने ही बिछाए सियासी जाल में फंस गई है। ऐसे में भाजपा के लिए ना तो उगलने और ना ही निगलने वाले हालात बन गए हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो जाता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर तुले सियासी दल क्या जनता के बीच जाकर चुनावी जंग को इस तरह से जीत पाएंगे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खुद के फेर में ही उलझी भाजपा, तुष्टिकरण का हथियार भाजपा पर पड़ा भारी, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हो रहा खेल, चुनावी मुद्दों से भटके भाजपा कांग्रेस।
मस्जिद की चौखट पर पहुंचे धन सिंह रावत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जी हां, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले मंदिर मस्जिद को लेकर बोतल से बाहर निकले जिन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। असल में तीन तीन मुख्यमंत्री बदल चुकी भाजपा जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को गिनाने की बजाय मंदिर मस्जिद का राग छेड़ बैठी है, लेकिन सियासी पासा अब पलट गया है। दरअसल मंदिर मस्जिद पर छिड़ी सियासी जंग के बीच सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का मस्जिद में जाने को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। भाजपा पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने धन सिंह के मस्जिद जाने पर बीजेपी से जवाब तलब किया है। मस्जिद में जाते हैं, उनको लोग देखते हैं, उनको पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें भाजपा कुछ नहीं बोलती। हमारा साफ कहना है भाजपा को कि अगर वो इस तरह की बातें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जब बात करती है, तो इसका जवाब भी देना चाहिए कि धन सिंह जी मस्जिद में क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किससे मिलने गए थे, क्या काम उन्होंने किया था, क्या वो भी नमाज पढ़ने गए थे क्या। कांग्रेस के सवाल पर भाजपा ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं। हालांकि धन सिंह रावत का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बचाव करते दिखाई दिए। देखिए, मस्जिद से बाहर निकलने का कौन सा वीडियो मैंने देखा नहीं है, और धन सिंह रावत जी संभवतः आप मंत्री जी के बारे में कह रहे होंगे। मंत्री प्रदेश में सबका होता है और सबकी कुशल क्षेम के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता है। जो भी नागरिक है उनकी कोई समस्या कहीं पर है तो इसको तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तुष्टिकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। कहावत है कि अपनी पर आए तो सही, लेकिन कोई दूसरा करे तो गलत। कुछ ऐसा ही बीजेपी कांग्रेस में चल रहा है। जुमे की छुट्टी को लेकर हरदा को घेरने वाली भाजपा असल में धन सिंह रावत के मस्जिद जाने के वायरल वीडियो को लेकर अपने ही बिछाए सियासी जाल में फंस गई है। ऐसे में भाजपा के लिए ना तो उगलने और ना ही निगलने वाले हालात बन गए हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो जाता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर तुले सियासी दल क्या जनता के बीच जाकर चुनावी जंग को इस तरह से जीत पाएंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मंदिर और मस्जिद की राजनीति की अब उत्तराखंड में भी एंट्री हो चुकी है। सवाल ये है कि ये मंदिर और मस्जिद का राजनीतिक उत्तराखंड में आई क्यों है और इससे फायदा किसको होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में नाना करते आखिरकार मंदिर और मस्जिद की एंट्री हो ही गई। बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से ये मसला जितना मुफीद है, कांग्रेस के लिए इस मसले पर बैटिंग कर पाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन सवाल ये नहीं कि इन चुनाव में मंदिर और मस्जिद की एंट्री हो गई, सवाल ये कि इन चुनाव में मंदिर और मस्जिद की एंट्री हुई क्यों। सवाल ये भी कि इन मुद्दों को तूल देने से फायदा किसका होगा। तो पहले जवाब इस बात का तलाशना होगा कि ये मसला आया क्यों। बीजेपी जिस विकास के डबल इंजन को पिछले 5 सालों में 3 बार ओवरहॉलिंग कर दिल्ली और देहरादून से लगाया, कभी डोईवाला तो कभी खटीमा तक घुमाती रही, वही बीजेपी अब विकास उकास छोड़कर मंदिर और मस्जिद की तस्वीरें वायरल कर रही है। दरअसल बीजेपी की राजनीति की धुरी मंदिर और मस्जिद के बीच ही घूमती है। बीजेपी जानती है कि उसका हिंदुत्व वाला कार्ड अगर चल गया तो हरिद्वार की 11, देहरादून की 10 और उधम सिंह नगर की 9 सीटों पर तो ध्रुवीकरण को कोई रोक ही नहीं सकता। यानी 30 सीटों पर ध्रुवीकरण के बाद जो तस्वीर बीजेपी देख रही है, उसमें उसे उत्तराखंड में सत्ता का रास्ता दिखाई दे रहा है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास इनमें से 25 सीटें हैं, यानी बीजेपी के पास अपनी 25 सीटों को न सिर्फ बचाने की चुनौती है बल्कि बची हुई सीटों पर जीत का जुगत भी बैठानी है। अगर ये सीटें साथ ली तो समझ लीजिए कि चुनाव में जीत का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास योगी जैसा फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरा है जो खुलेआम गर्मी को ठंडा कर देने वाला बयान दे सकता है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के पास ऐसे चेहरों की कमी है। लिहाजा छुपते छुपाते संगठन स्तर पर ही सही हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा देकर बीजेपी अपने नेताओं को हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग के लिए तैयार कर ही देती है। अब सवाल नंबर 2 कि इन मुद्दों को तूल देने से फायदा किसका होगा, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति में फायदे की राह निकालने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही होती है।
कांग्रेस के नेताओं पर जहां जुमे की छुट्टी करने और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, तो वहीं बीजेपी के पास खुले तौर पर इस देश के बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति खौफ और नफरत पैदा कर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। तो जब मौजूदा वक्त में विकास के दावे करने वाली पार्टी अपने विपक्षी दल के नेता की मौलाना स्टाइल में फोटो एडिट कर वायरल करने लगे, और जब विपक्षी दल ऐसे मसलों के काउंटर के लिए मस्जिद और दरगाह में जियारत के वीडियो वायरल करने लगे, तो समझिए कि वोट विकास विकास के मसले पर नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम की माला जपने से ही मिलते हैं। और जब बात हिंदू और मुस्लिम की ही करनी हो तो फिर विकास वोट के मसले पर कोई क्यों मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। ओ भौज, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? उत्तराखंड के सर्द मौसम में कोरोना महामारी के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जनता की चौखट तक पहुंचने के लिए नेताओं को बर्फीले रास्तों की दूरी तय कर समर्थन जुटाना पड़ रहा है। यकीनन नेताओं के लिए बर्फबारी और बारिश के बीच प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं बिगड़े मौसम में लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा और कार्यक्रम भी रद्द हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज ने राज्य के पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछा दी है। यकीनन ये नज़ारे पर्यटकों के लिए तो आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन उत्तराखंड इलेक्शन 2022 के लिए 14 फरवरी को होने वाले मतदान में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे और वर्चुअली जनसभाओं में मौसम ने खलल डाल दिया है। बिगड़े मौसम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रामनगर दौरा रद्द हुआ, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम में भी मौसम बाधा बन बैठा। आज अल्मोड़ा जिले में 14 विधानसभा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सभा से जुड़कर कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने वाले थे, मगर अब उनके कार्यक्रम को मौसम के चलते पार्टी ने रद्द कर दिया है। हालांकि पार्टी नेताओं के पीएम मोदी के आगे के चुनावी कार्यक्रम को लेकर ये कहना है कि प्रधानमंत्री के आगे के चुनावी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से घर पर ही मतदान कराने के लिए निकली त्रिजुगी नारायण की पोलिंग पार्टियां बर्फबारी के चलते रास्ते में फंस गयी। हालांकि मौसम खुलने के बाद पोलिंग पार्टियों को दोबारा रवाना किया गया। इस बीच खबरें ये भी आई कि बीजेपी नेता विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी बर्फबारी के बीच प्रचार के लिए निकले तो लेकिन बर्फबारी में फंसकर रह गए। यकीनन मौसम भी नेताओं की परिश्चालिता नजर आ रहा है। हालांकि शनिवार से मौसम साफ होने की उम्मीद है और इस बीच प्रचार में तेजी आने का सियासी दल दावा जरूर कर रहे हैं। उत्तराखंड में मतदान के लिए दिन धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो सियासी दलों के नेताओं के कार्यक्रम में मौसम ने काफी वक्त और कई चुनावी कार्यक्रमों और वर्चुअली सभाओं पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक कल से मौसम साफ होने के बाद सभी सियासी दल जनता के बीच जाने के लिए बर्फीले रास्तों को पार कर अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम जरूर दिखाएंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है, ठीक उसी तरह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता उस दल की नींव होते हैं जो पार्टी की जड़ को सिरे से मजबूत बनाने का काम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर खराब मौसम ही ले लीजिए, सियासी सितारों के दौरे रद्द हो गए, वर्चुअली रैलियों को स्थगित कर दिया गया, लेकिन चुनावी रण में कौन डटा है? कार्यकर्ता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी भी पार्टी में संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, खासतौर पर जिस दल के नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टियों के लिए समर्पित होते हैं वो पार्टी आगे जरूर बढ़ती है। ऐसे ही कुछ नजारा खराब मौसम के बीच उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां पर मौसम खराब होते ही सियासी सितारों के दौरे, चुनावी रैलियां, जनसभाएं तो रद्द कर दी गई,
लेकिन बारिश और बर्फबारी के बीच हाथों में छाता लिए आधे बारिश में भीगे हुए ठिठुरते हुए सड़कों पर अगर कोई दिखाई दिया तो वो है पार्टी कार्यकर्ता। चुनाव प्रचार में पीछे ना छूट जाए इस बात की चिंता मन में लिए कार्यकर्ता प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको मसूरी की दिखा रहे हैं, जहां पर हार्ड कपकपाती ठंड के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भारी बारिश और बर्फबारी भी कम नहीं कर पाए। बरसात होती रही फिर भी इनके कदम अपनी जनता के तरफ बढ़ते रहे, हर चौखट पर जाकर पार्टी के लिए वोट मांगते रहे। ये अगली तस्वीर काशीपुर की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बारिश में भीगते हुए जनसंपर्क के लिए घर घर पहुंचे और जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख आम जनता भी हैरान है। अब जनता इन कार्यकर्ताओं को देख क्या सोच रही है और क्या नहीं, ये तो वक्त रहते पता चल ही जाएगा। लेकिन हम उस पार्टी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं जो अपने दलों के लिए समर्पित होते हैं। राजनीतिक प्रचार में तकनीक और प्रोफेशनलिज्म पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का महत्व आज भी बना हुआ है। कार्यकर्ताओं की राजनीतिक संस्कृति किसी सरकार और किसी भी दल की छवि बनाती है और बिगाड़ती भी है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में मतदान के चंद दिन बचे हैं, ऐसे में उम्मीदवार प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री और खटीमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा की राजीव नगर वार्ड के डोर टू डोर में जाकर जनता का समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है और साठ पार का लक्ष्य भाजपा जरूर हासिल करेगी। वही कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के हित में बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा, किसान और मजदूरों के सभी वादों को पूरा किया जाएगा। वहीं इस दौरान दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है, विकास और जनहित के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, मुझे उससे पढ़ने का मौका मिला और मैं कह सकता हूं कि अत्यधिक व्यवहारिक चुनाव घोषणा पत्र है। उत्तराखंडी स्वाभिमान के चार धाम चार काम, जो कि बुनियादी तौर पर किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। वहीं दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह को कोई विकास के काम नजर नहीं आते हैं तो उन्हें जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर आते ही समझ जाना चाहिए कि भाजपा सरकार के कामकाज का जोलीग्रांट एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही सुरेश जोशी ने उन पर कई सियासी आरोप भी लगाए हैं। दिग्विजय सिंह जी आज देवभूमि में आए, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। सबसे पहले उन्होंने इस देवभूमि का अपमान किया है, उन्होंने इस देवभूमि में आकर के माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने तो कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उससे हमारे वीर सैनिकों की तुलना की थी, उनको तो माफी मांगनी चाहिए थी। माफी मांगी नहीं उन्होंने, अब वो सूट बूट की सरकार कह रहे हैं। उनको विकास नहीं दिख रहा है क्या? जिस एयरपोर्ट पर वो उतरे थे, जिसका शिलान्यास भी हमने किया और उसका उद्घाटन भी हमने किया, जिस सड़क से यहाँ आने में 3 घंटे लगते थे, मुझे लगता है कि 23 मिनट में पहुंच गए होंगे, उसको उनको दिख नहीं रहा विकास। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एक हफ्ते से भी बेहद कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वर्चुअल संवाद किस पार्टी के लिए कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बदले प्रचार प्रसार में मुश्किलें काफी है। देखिए खास रिपोर्ट। 2022 का विधानसभा चुनाव हर सियासी मोड़ पर दिलचस्प हो चला है। दिग्गजों की फौज कांटे की टक्कर देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वर्चुअल संवाद उम्मीदवारों के लिए ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में तीर छोड़ना, क्योंकि प्रदेश में इससे पहले हुए 4 विधानसभा चुनाव में
नारों का शोर चुनाव की बयार किस ओर बह रही है इसका गवाह रहा है। प्रत्याशियों के नारे आम जनता की जबान पर भी सालों साल रहा करते आए हैं। कांग्रेस के चर्चित नारों में जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और अब से पहले के विधानसभा चुनाव में भाजपा का नारा हर हर मोदी घर घर मोदी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दिल्ली से प्रदेश में आई किस्मत अजमा ने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब चलेगी झाड़ू का नारा दिया था। ऊपर वाला कह रहा है कि मैंने तो झाड़ू चलाने शुरू कर दी, अब तुम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे हो जाओ और अपनी झाड़ू चलाने शुरू कर दो। लेकिन कोरोना काल ने इस विधानसभा चुनाव की तस्वीर ही बदल डाली। नारों का काम सोशल मीडिया पर गाने और मीम्स कर रहे हैं। पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम उत्तराखंड में प्रस्तावित है और कांग्रेस के दिग्गज भी वर्चुअल मैदान में हैं। लेकिन पहाड़ में कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला है, ऐसे में वर्चुअल संवाद किसे जीत दिलाएगा ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी। वही कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे का कहना है कि कांग्रेस आपराधिक मामलों में लिप्त है। वहीं अरविंद पांडे ने बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। वो कह रहे हैं, उनका फर्ज है, कहना चाहिए, हम लोग, हमारे लोग भी कह रहे हैं, मगर ये जो बातें कर रहे हैं इसका लाभ उनको मिल रहा है, मिलते हुए दिख रहा है उनको, इसका मनन करे ना। वो ये कैबिनेट मंत्री 5 साल रहे, उससे पहले वो भी तो अपोजिशन में, क्या ऐसा काम उन्होंने अपोजिशन में कर दिया? अपोजिशन वालों का क्या औकात होता है वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 10 साल प्रेमानंद महाजन अपोजिशन में रहा, फिर भी लोगों का दिल जीता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता लोग हैं, सबको झोंककर मानवता को बचाने का काम अरविंद पांडे ने किया है। ये बता सकते हैं कि कोविड काल में किसी गाँव में जाके किसी गरीब की मदद की होगी? एक गाँव का नाम बता देंगे। अभी आपदा आई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, हमसे कुछ हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन इस आपदा के समय में भी लोगों के साथ में खड़ा मिला, क्या ये बता सकते हैं कहीं गए? मात्र सूप तो बोले बोले, छलनियों को बोलने का हक नहीं है। जो बंगाली समाज की भावनाओं से 10 साल खेलकर विधायक बने, लेकिन बंगाली समाज के माथे पे लगे हुए कलंक को नहीं धो पाए। और अब बात करते हैं मौसम की। 2 दिन से बदले मौसम से जहां पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की खबरों के बाद सैलानी कुदरत की नेमत का लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पहाड़ से मैदान तक स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो वहीं बिजली पानी के साथ ही लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। 2 साल बाद बर्फ पड़ रही है और लोगों में उत्साहित भी है। उत्साहित होने के बाद अच्छा भी लग रहा है और सुविधाएं भी ठप है, जैसे रोड हो गई, पानी की समस्या हो गई, लाइट हो गई, मोबाइल चार्जिंग से परेशान है, लोहाघाट में उत्साह में है लोग। वही पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बर्फबारी हो रही है, पर्यटक बर्फबारी का आनंद भी उठा रहे हैं। पहले कभी नहीं देखी हमने, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा रहा है हमारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। प्रचार के लिए चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साठपार के दावे के साथ जुटा रहे जनता का समर्थन, भाजपा की जीत का भी किया दावा। तुष्टीकरण के मुद्दे पर खुद फंसी भाजपा, धन सिंह रावत की मस्जिद जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथों। खराब मौसम से भाजपा के प्रचार में पड़ा खलल, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने स्वीकारा, जल्द प्रधानमंत्री की फिजिकल रैली कराने की भी बात कही। और प्रदेश में खराब मौसम बना परेशानियों का सबब, बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका, किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? बोला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया,
आप समझे, बटन कहाँ दबेगा।